हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट है। इसका फ्लावर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा सा फ्लावर खिलता था। ये डबल पैटर्न में, कलर भी कितना खूबसूरत है, और देख सकते हैं इसका बर्ड्स भी कितना ज़्यादा करके बनता है। और इसमें डेली आपको एक दो फ्लावर खिलेगा ही। देख सकते हैं हाइब्रिड वाला है, ये कल खिल गया था, जो सूख गया है इसको हटा देते हैं। ये जो प्लांट जो लेकर के हम आए थे, इसका लीफ जो देख रहे हैं इससे मुड़ा हुआ है। इसे बहुत बड़ा बड़ा सा पत्ता भी होता था और फ्लावर भी जो खिलता था बहुत बड़ा सा खिलता था। आप देख सकते हैं फ्लावर का साइज़ छोटा हो गया, लीफ भी छोटा हो गया। इसको जितना भी मतलब प्रॉब्लम था, इसमें मुझे लगा कि इसको धूप में रखना चाहिए, तो धूप में भी 4 घंटा 5 घंटा अच्छा धूप मिलता है। कंपोस्ट वगैरह भी सब कुछ डाला गया है, उसके बावजूद ये प्लांट का देख सकते हैं ग्रोथ उतना अच्छा से नहीं हो रहा है। ये प्लांट जो ला कर हम लगाए थे तो गर्मी का सीज़न था, तो इसकी मिट्टी को हम लोग ज़्यादा नहीं हटाए थे, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किए थे कि प्लांट मेरा ख़राब मत हो जाए। इस वजह से अब जब इसको गुड़ाई करते हैं तो देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना कैप है। दिखाते हैं कैप निकाल कर, कैप को किस तरह से कैप रहता है। कैप रहेगा तो आप कुछ भी प्लांट में कीजिएगा, इसकी रूट्स जो है नहीं बढ़ पाता है। तब हम दिखा देते हैं, मिट्टी हटा हटा के कैप को दिखाते हैं। ज़्यादा इसकी रूट्स ना टूटे, इसलिए इस तरह से करके ही मिट्टी को आपको हटाना है। पूरी मिट्टी जब निकल जाएगी तो उसके बाद आपको हम दिखाते हैं इसमें कैप किस तरह से रहता है। देखिए इसका रूट्स देख सकते हैं इस तरह से बंधा हुआ है। इसमें कंपोस्ट वगैरह सब कुछ डाला हुआ, इसका प्लांट का ग्रोथ नहीं अच्छा से हो रहा था, तो मैं इसको देख रही थी कि इसमें कहीं कैप वगैरह तो नहीं। तो देख सकते हैं इसमें किस तरह से लोग कैप लगाते हैं, ये देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये कैप है, ये प्लास्टिक का है, लेकिन इसकी रूट्स को बांध के रखता है। इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैल पाएगा, तो जब इसका रूट्स इसका जब ग्रोथ नहीं होगा तो प्लांट अब धीरे धीरे करते करते ये ख़राब हो जाएगा। ये हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग कई बार गर्मी में प्लांट से लेके आते हैं तो उसको हम लोग डर से नहीं हटा पाते हैं। देखिए इस तरह से अभी हमारे यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा हो रखा है, इसलिए इसको हटा भी दे रहे हैं, नहीं तो जब बारिश होता तब इसको हम हटाते। ये देख सकते इस तरह से इसका ज़्यादा रूट्स ख़राब ना हो, इसको काट काट किस तरह से करके हटाएंगे। ये देखिए ये नीचे की वजह से इसका जो रूट्स है वो नीचे से नहीं निकल पा रहा है। देखिए इस तरह से यहीं पर ये गांठ बनते जा रहा है। जब रूट्स नहीं फैलेगा तो प्लांट जो है धीरे धीरे करके मर ही जाएगा, इसको इस तरह से कर करके हटाना पड़ता है। तो चारों तरफ से काट काट कर हटाना पड़ेगा। ये देखिए ये हट गया, देखिए इस तरह से, ये देखिए रेड मिट्टी में लगा होगा, इस वजह से इसका रूट्स जो है नहीं बढ़ पा रहा था। ये देख सकते किस तरह से ये जो है प्लास्टिक का मोटा सा प्लास्टिक का जाल में लगा हुआ रहता है। ये पॉट जो प्लांट जो है इसका रेड मिट्टी में है, इसलिए इसका रूट्स जो है नहीं बन पाते। यहाँ पर देख सकते इस तरह से गांठ हो रहा है। इस तरह से होते होते प्लांट जो है धीरे धीरे करके स्ट्रेस में चला जाएगा और प्लांट जो है सूखने लगेगा लीफ भी, और प्लांट भी जो है पूरा मर जाएगा। तो ये जो कैप निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, सारे प्लांट में नहीं होते हैं, लेकिन जब प्लांट का ग्रोथ रुक जाए सारा आपको काम करने के बाद भी अगर प्लांट का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा तो एक बार चेक कर ले, लेकिन उसमें कैप तो नहीं लगा हुआ। अब इसी मिट्टी में थोड़ी सी जो है कंपोस्ट मिलानी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट जो है अगर नहीं कुछ करेंगे तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। इसलिए थोड़ी सी इसकी मिट्टी पहले निकाल देते हैं। देख सकते इस तरह से ये देख सकते इस तरह से ये जो कंपोस्ट है वो डाल दे रहे हैं। ये दो मुट्ठी कम से कम कंपोस्ट डाल रहे हैं। कंपोस्ट डालने के बाद इसमें जो है ये एप्सम सॉल्ट है, वाइट कलर का, देख सकते इस तरह से इसमें चमक होता है। देख सकते इस तरह से करने का, तो हल्का से इसको हाथ से हिला दें। हिलाने के बाद इस प्लांट को रख दें, ऊपर से जो मिट्टी निकाले हुए थे हम लोग उसको भर देना है। कोशिश करें कि इसका ज़्यादा रूट्स ना डैमेज हो या टूटे उटे नहीं, क्योंकि कैप निकालने में कई बार बहुत सारा रूट्स जो है टूट भी जाता है। ये काम जो है आप शाम के समय कीजिएगा या आपके यहाँ बारिश हो रहा है तो कीजिएगा, नहीं तो प्लांट जो है ख़राब होने का डर होता है। इस तरह से क्या
तरह से पूरा मिट्टी तो ऊपर तक भर देंगे। भरने के बाद जो है इसमें इसी समय पानी डाल देना है, और पानी डाल के ऐसे जगह पर रखना है जहाँ धूप ना लगे, क्योंकि प्लांट का जो है भी रूट्स जो है इसको छेड़छाड़ किया गया है, यानी रूट्स जो है ओपन हुआ है, तो इसको अगर छांव में रखिएगा तभी प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होगा। ये तो अगर इसको धूप में पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप में मिलेगा, तो प्लांट जो है मुरझा करके पूरा गिरना शुरू हो जाएगा। इसको छांव में रखने के बावजूद भी कुछ लीफ जो है येल्लो होकर गिर जाएगा, क्योंकि उसका रूट सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। रूट्स अभी इसकी मिट्टी जो है थोड़ा सा नया हो गया है, तो उसको रूट्स को उसको जड़ को जो है इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ दिन के बाद इसको 10 दिन के बाद आप इसको धूप में रख दीजिएगा, देखिएगा कि इसका जो लीफ है ये जो ऐसे मुड़ा हुआ है वो भी देखिएगा कि एकदम साफ साफ ठीक से हो गया है। ये देख सकते हैं इस तरह से जो भी लीफ मुड़ा हुआ है, कुछ दिन के बाद ही देखिएगा कि इसका लीफ भी बढ़िया से होने लगा। ये जो बड्स जो बन रहा है बड्स भी खिलेगा और अच्छा से बड़ा बड़ा सा फ्लावर खिलेगा जैसा आप लेकर के आए थे। तो इस तरह से भी आप कई बार चेक कर लीजिएगा कि सारा कंपोस्ट वगैरह सब कुछ डालने के बावजूद भी, धूप में रखने के बावजूद भी प्लांट का जो लीफ फ्लावर है कली जो है गिर क्यों जाता है। तो कभी भी इस तरह से ज़्यादा आपको अगर नहीं है तो हल्का सा जैसे रूट्स के पास में ही इस तरह से करके आप देख लीजिएगा, हटा करके, पूरा नहीं हटाना है, पूरा नहीं निकालना, ऐसे हटाइएगा तो आपको दिख जाएगा ये जगह कैप रहेगा तो इसमें फंसेगा तो आप देख लीजिएगा उसका, उसके बाद आप उसको निकालिएगा ताकि इसमें होगा तब, अगर नहीं होगा तो कंपोस्ट वगैरह डालिएगा तो ही आपका प्लांट जो है अच्छा से ग्रोथ भी करेगा। और धूप में रहने से 4 घंटा 5 घंटा धूप रहने से और समय समय पर पानी डालिएगा तो प्लांट देखिएगा अपने आप खुद पर खुद वो प्लांट का अच्छा से फ्लावर भी देगा और लीफ भी बढ़िया हो जाएगा। चलिए आप भी अपने प्लांट को अगर उसका फ्लावर जो है कली बनता है और गिर जाता है और उसका जो ये लीफ है वो भी मुड़ता है छोटा छोटा होता है, तो आप भी अपना जो भी प्लांट आप लगाए हैं उसको चेक कर लीजिए कि क्या उसमें कैप तो नहीं लगा हुआ है। अगर कैप लगा हुआ है और बारिश हो रहा है तो आप उसको हटा करके लगा दीजिएगा। कुछ दिन के बाद आपको हम दिखाएंगे कि इसका फ्लावर कितना बड़ा बड़ा करके खिल रहा है। अभी देख सकते हैं इसका फ्लावर किस तरह से छोटा छोटा खिल रहा है, पूरा अच्छा से खिल भी नहीं पाता है। कुछ दिन के बाद देखिएगा इसका बड़ से देखते हैं कितना बड़ा हो रहा है। कुछ दिन के बाद देखिएगा इसका फ्लावर आपको दिखाएंगे इसका फ्लावर कितना बड़ा बड़ा करके खिल रहा है। आप जब भी नर्सरी से लाएँ, अगर गर्मी हो तो कुछ दिन के बाद करें, या बारिश जब हो रहा है तब उसी समय कैप को चेक कर लें, उसके बाद ही प्लांट को लगाएं। चलो अब आपको जानकारी आपको पूरा दे दिया जितना भी है, तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू फ्रेंड।